पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा आयोजित OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्री परिषद की 17वीं विशेष बैठक रविवार को इस्लामाबाद में हुआ। इस बैठक में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री खान मोताकी और OIC के महासचिव ने भी भाग लिया। OIC के कुल 57 सदस्य देशों में से 20 विदेश मंत्री इस्लामाबाद बैठक में भाग लिया, जबकि 10 उपमंत्री और राज्य मंत्री अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जापान, जर्मनी और अन्य गैर OIC देशों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसी बीच रविवार को भारत में अफगानिस्तान में संकट और क्षेत्रीय संबंधों के मुद्दे पर बातचीत हुआ। इसमें मध्य एशियाई देशों के किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। हालांकि इन देशों ने पाकिस्तान में हो रही बैठक में भी अपने प्रतिनिधिमंडलों को भी भेजा था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिवसीय भारतीय मध्य एशिया संवाद की अध्यक्षता किया। अफगानिस्तान के अलावा क्षेत्रीय संबंधों और व्यापार पर चर्चा किया गया। यह अपनी तरह का तीसरा सम्मेलन था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सरोजुद्दीन मेहरुद्दीन इस वार्ता के साथ साथ द्विपक्षीय यात्रा के सिलसिले में भी भारत दौरा कर रहे हैं। पिछले महीने 10 नवंबर को इन सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भारत में एक अन्य बातचीत में भाग लिया था, जिसका विषय अफगानिस्तान था। इस वार्ता में रूस और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे। दिल्ली में रविवार को बैठक में भाग लेने वाले देश OIC के सदस्य हैं और इनमें से 3 तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन इनके विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद में OIC की बैठक में भाग लेने के बजाय भारत जाने का फैसला किया, जिससे पता चलता है कि वो भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग बनाए रखना चाहते हैं। OIC शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि OIC के विदेश मंत्री परिषद के 17वें विशेष सत्र की मेजबानी करना पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने कहा कि यह विशेष बैठक अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों को, खासकर मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा करेगा और अफगान लोगों की मदद के लिए ठोस कदम उठाएगी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और सहयोग की सख्त जरूरत है। लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उप विदेश मंत्री महमूद शेकाल ने ट्वीट पर कहा है कि पाकिस्तान ने 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप पर OIC विदेश मंत्री की एक बैठक की मेजबानी की थी, लेकिन इस बार एक तटस्थ OIC सदस्य को इस बैठक की मेजबानी करनी चाहिए थी।